इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐड की वजह से इस वीडियो को स्किप करे। और आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके जानने वालों के साथ शेयर करें और उन्हें जागरूक बनाएं। इस वीडियो में कही गई कोई भी बात मनगणत नहीं है, इसका सॉलिड प्रूफ मैं आपको वीडियो में दूंगी। इतना ही नहीं, जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब सिर्फ फॉरेन में होता है और इंडिया में तो नहीं होता है या आसपास के कंट्रीज में नहीं होता है, तो उसका भी जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा। बातें बहुत हो गई, चलिए शुरू करते हैं। इन तस्वीरों में आपने क्या देखा? फेमस बच्चे। तो इस मासूम से फोटोज और वीडियोज में क्या गलत है, ये आपका सवाल है। आजकल हर कोई व्लॉगर है और इन्फ्लुएंसर, इनमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ टॉप में आते हैं फैमिली चैनल्स। इन फैमिली चैनल्स अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाते हैं जिसमें उनके छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, तो इस कमेंट पर एक नज़र डालिए, पूरा पढ़िए। इसमें जो इमोजी इस्तेमाल हुआ है और उसका पूरा कमेंट, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ये कमेंट किया है वो एक एडल्ट यानी वयस्क आदमी है और ये कमेंट लिखा है एक 3 साल की बच्ची के टिकटॉक वीडियो पर। ये बच्ची है रेन एलेनोर, जिसका टिकटॉक पर 17 मिलियन फॉलोअर्स है, 1,70,00,000 फॉलोअर्स। इस अकाउंट को रेन की माँ जैकलिन चलाती है। जो आपने थोड़ी देर पहले कमेंट देखा, ऐसे कमेंट्स की तो भरमार है इस अकाउंट पर। तो आप सोचते होंगे कि व्रेन अपने वीडियोस में ऐसा क्या दिखाती है। सिंपल, वाटर बलून्स में खेलना, नए नए खाना खाना और अच्छी अच्छी क्यूट से कपड़े पहनना, ऐसा तो हर कोई करता है ना। दिक्कत ये है कि इस बच्ची की फॉलोवर्स हमें इंटरनेट के काले सच को साफ साफ दिखाते हैं। इस कमेंट को देखिए, आपको कुछ समझ में आया? ये है फीडोफाइल्स। फीडोफाइल्स का मतलब है व्यक्ति जो बच्चे के प्रति कामुकता का भाव रखता है। इस तस्वीर में देखिए, एक अधेड़ उम्र का आदमी ब्रेन की एक टिकटॉक पर कैसा रिएक्शन दे रहा है। उसका एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए और खुद बताइए उसका मेंटालिटी क्या होगा। ये वीडियो ये तस्वीर। इतना ही नहीं, व्रेन की एक एक वीडियोस को कितनी बार सेव किया गया है वो भी देखिए। ऐसा क्या है इन वीडियोस में कि एक एडल्ट आदमी इसे सेव करके रखना चाहे। पेडोफाइल्स की मेंटालिटी समझने के लिए ये वीडियो ध्यान से सुनिए। I am a former internet crimes against children detective. That means I had to investigate CSAM, which is child pornography, which is images and videos of infants, toddlers and children being sexually abused. That means I had to look at hard drives of very sick individuals, and the videos that they saved were not just child pornography, but of children they found on the internet, mommy influencers that they followed. They saved babies in diapers, children's feet, children sleeping in their beds in their rooms, children in bathing suits. This is a lot of content that mommy influencers share. तो फीडोफाइल्स को आपके बच्चे का मासूम सा तस्वीर भी प्रोवोक कर सकता है। तो जो लोग इस तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन रखते हैं वो क्या कर सकते हैं आपको पता है। पहले तो आपके द्वारा पोस्ट की गई आपके घर के बच्चों के तस्वीर को इकट्ठा करते हैं, आपके बच्चे के बारे में हर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। फिर वो कोई भी बेस पे आपके या आपके बच्चे के संपर्क में आते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे को फुसलाना शुरू करते हैं। इसे ग्रूमिंग कहा जाता है और फीडोफाइल्स तुरंत ही बच्चे के साथ शोषण नहीं करते हैं, वो महीनों ग्रूमिंग करते हैं फिर अपना काम करते हैं। तो आपके द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर आपके बच्चे को ऐसे पेडोफाइल्स की नज़र में ला सकते हैं। तो क्या सिर्फ बच्चियां हैं जिन्हें हमें सुरक्षित रखना है? ये स्टोरी है 19 साल की एक टिकटॉकर जोई की, जिसने 13 साल के फैन को ग्रूम किया। लोगों ने विरोध किया तो उसने माफ़ी मांगी, तो क्या ये रुका होगा? आप खुद सोचिए। ब्रेन की केस में उसकी माँ जैकलिन जानबूझकर ये कर रही है। लोगों के लाख समझाने के बावजूद वो ऐसे वीडियोज़ और तस्वीरें पोस्ट करती रही है। जब पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो यही होता है। इस तरह का पोस्ट कोई माँ कर सकती है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग करते हैं। अब कुछ पॉपुलर सर्च रिजल्ट देखते हैं। फिर से याद दिला दूं कि व्रेन सिर्फ 3 साल की बच्ची है। लोगों के बैकलैश पर व्रेन की माँ की रिप्लाई पढ़िए। आप बोलेंगे इससे तो रिपोर्ट कर देना चाहिए, तो इसका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने नहीं की? ये लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का असलियत। इस वीडियो में आदमी का हाव भाव और उसका घटियापन साफ झलकता है। फिर भी टिकटॉक ने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप एक काम कर लो, आपको नहीं देखना है, आप अपनी आँख बंद कर लो। हमें तो व्यूज़ से मतलब है।
यूट्यूब सेफ है? नहीं, ये दरिंदे हर जगह है और सोशल मीडिया में ऐसे लोग करोड़ों में हैं। ये दो कमेंट हमारे अपने चैनल पर की हुई है विकी सीरीज के केस में। एक और बात, इन छोटी से बच्चियों का एडिटेड पिक्चर्स मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनेट के रैबिट होल में ऐसे लाखों तस्वीरें हैं जो किसी बच्ची का चेहरा कोई और एडल्ट पिक्चर में एडिट किया हो। वीडियोस में भी इन बच्चियों का चेहरा एडिट किया जाता है। इंडिया में कहाँ ऐसे पेडोफाइल्स हैं? हमारे बच्चियाँ तो सेफ है। अगर आपका ये सोचना है तो ये लीजिए सबूत। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को या सिर्फ इसकी जानकारी को अपने परिवार वालों को भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि कितनी खतरनाक है इंटरनेट की दुनिया। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।